हेलो फ्रेंड्स, आपका सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की भर्ती के बारे में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की भर्ती के बारे में। दोस्तों, जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है इस भर्ती के लिए, तो इसका अप्लाई मोड ऑफलाइन है, यानी कि आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना है। दोस्तों, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी जा रही है, यानी कि सीधी भर्ती होनी जा रही है भारतीय डाक विभाग में। और इसमें पोजिशन के नाम है दोस्तों, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन तथा मल्टीटास्किंग स्टाफ। और दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं फर्दर डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती के लिए एज लिमिट की बात है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट तथा पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए दोस्तों एज लिमिट 18 साल से 27 साल है एज ऑन 20 मार्च 2020। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है, तो SC ST को 10 साल का है तथा अदर्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। और फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसके लिए एज लिमिट 18 साल से 25 है एज ऑन 20 मार्च 2020। और इसमें भी दोस्तों एज रिलैक्सेशन 10 साल का है ST SC को और 5 साल का अदर्स को। दोस्तों, जहाँ तक एज की गणना करने के लिए डेट की बात है, तो इसके लिए क्रूशल डेट 20 मार्च 2020 है, इसके हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी। और दोस्तों, जहाँ तक स्पोर्ट कोटा के लिए गेम्स की बात है, तो दोस्तों इसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, कबड्डी, रेसलिंग, ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल, चेस, कैरम, फुटबॉल, हॉकी तथा स्विमिंग शामिल है। और ये टोटल 15 गेम्स हैं दोस्तों, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 159 सॉरी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 144। और दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जहां तक पोस्टल असिस्टेंट तथा सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात है, तो इसमें 10+2 यानी कि 12वीं पास मांगा गया है। और कैंडिडेट के पास दोस्तों बेसिक कंप्यूटर टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट ने दोस्तों 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में या उसके हायर क्लासेस में कंप्यूटर पढ़ाया है एज ए सब्जेक्ट, उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं है दोस्तों। जहाँ तक दूसरी पोजीशन यानी कि पोस्टमैन और मेल गार्ड की बात है, तो इसमें भी क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया। और दोस्तों, दूसरी कंडीशन में लिखा है कि कैंडिडेट को नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का, यानी कि गुजराती का। और ये जो वैकेंसी है गुजरात सर्किल की है दोस्तों, और कैंडिडेट ने दोस्तों 10वीं क्लास तक गुजराती सब्जेक्ट पढ़ा हो, यानी कि लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। और इसमें तीसरी कंडीशन लिखा गया है कि कैंडिडेट को बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जिन कैंडिडेट ने दोस्तों 10वीं क्लास या 12वीं क्लास या उसके हायर क्लासेस में दोस्तों कंप्यूटर पढ़ाया एज ए सब्जेक्ट, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये पोजिशन है पोस्टमैन तथा मेल गार्ड की, इसके लिए कैंडिडेट के पास दोस्तों वैलिड लाइसेंस होना चाहिए टू व्हीलर्स का तथा लाइट मोटर व्हीकल का। और जहाँ तक तीसरी पोजीशन की बात है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो दोस्तों इसमें भी क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। और इसमें सेकंड कंडीशन में लिखा गया है कि कैंडिडेट को दोस्तों नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का, यानी कि गुजराती का। और कैंडिडेट ने दोस्तों 10th स्टैंडर्ड तक गुजराती यानी कि लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो दोस्तों। इन वैकेंसीज के लिए जहाँ तक स्केल ऑफ पे की बात है, तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों जो स्केल है 25,500 से लेके 81,100 है दोस्तों। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 21,700 से लेके 69,100 है तथा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से लेके 56,900 दोस्तों। और इसमें इनिशियली पहले 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। और दोस्तों, जहां तक वैकेंसी वेरिफिकेशन की बात है, तो उसका डिटेल पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है। जहां तक पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात है, तो उसमें 52 यानी कि 52 वैकेंसीज हैं। पोस्टमैन तथा मेल गार्ड के लिए 47 हैं तथा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों 45 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात है दोस्तों, तो इसमें प्रेफरेंस वाइज डिटेल्स है, यानी कि प्रेफरेंस वाइज सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का। इसमें दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है दोस्तों इंटरनेशनल कंपटीशन में। और इसी तरह से दोस्तों सेकेंड तथा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तथा सिक्स प्रेफरेंसेस हैं, इसमें प्रेफरेंस वाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है। और दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात है, तो इसमें ₹120 एप्लीकेशन फ़ीस है। और दोस्तों, जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड ऑफलाइन है, इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं
वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in, और मैं भी दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। और इसके बाद आपको दोस्तों अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद अदर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं दोस्तों अहमदाबाद वाले एड्रेस पे, आप बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 20 मार्च 2020 है। तो दोस्तों ये था शॉर्ट डिटेल इस भर्ती का, और इन केस आप फिर वैकेंसीज में से किसी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा इन केस आप इसके लिए एलिजिबल है तो। और आपसे विनती है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इन केस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।